आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। जनपद मैनपुरी में थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम जलालपुर में लगातार कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा इस ग्राम प्रधान की शिकायत का मामला सामने आ रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि उनसे ग्राम प्रधान अरविंद जाटव द्वारा कॉलोनी के नाम पर धन की वसूली की जा रही है। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से कॉलोनी के नाम पर किसी से 1,000 तो किसी से 2,000, किसी से 5,000 तक की ठगी की है। हमारे पी न्यूज के संवाददाता कैलाश गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर लगातार इस गांव में कवरेज कर ग्राम प्रधान की पोल खोली, जिसका प्रसारण हमारे पी न्यूज चैनल पर 9 जून को किया गया था, जिसमें बौखलाई ग्राम प्रधान अरविंद जाटव ने हमारे संवाददाता कैलाश गुप्ता व अजय सिंह भास्कर पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही इस धांधली को लेकर आज जलालपुर के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच का दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में ग्रामीणों का क्या कहना है, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप यहाँ आए हैं डीएम साहब के पास, क्या शिकायत लेके आए? ये शिकायत लेके आए, गली नाली खलंजे और पेंसिलों के रुपए ले लिए, वो वापस नहीं किए लोगों के, और कॉलोनी भी नहीं किसी को मिली है, और का नाम टूटे पड़े हैं, हमारी ट्राई साइकिल नहीं निकल पाती है। तो डीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया? मैंने दिया है। आप यहाँ आई हैं डीएम साहब के पास, क्या शिकायत लेके आई? मेरे 4 साल हो गई और रुपए ले लिए 12,000, मुझे वापस नहीं किए, और जब मांगते हैं नहीं कॉलोनी दी, नहीं कुछ मांगते तो फिर कह देते अभी नहीं अभी देंगे आप। किसने लिए पैसे? प्रधान ने। कब लिए, कितने समय? 4 साल हो गए, कॉलोनी नहीं मिली अभी? नहीं मिली। कितना पैसा लिया था? 12,000। आपकी क्या शिकायत है जो डीएम साहब के पास आई? जा शिकायत है, मैं जा से लिए आई हूँ कि मेरे 5,000 रुपए हैं और देते भी नहीं है, और मैंने ब्याज पे रुपए उठाए, सो मैंने कॉलोनी के लिए मांग लिए, और दबकाते हैं और देते नहीं, और कह देते फिर देंगे, देते भी नहीं। किसने लिए पैसे? 5,000। किसने लिए? प्रधान ने। क्या नाम है? अरविंद है। अरविंद। तो डीएम साहब को आज प्रार्थना पत्र देने आई थी? हाँ देने आए थे, उसी ने किसी ने सुनी।